कैसे नताशा कपूर कैसे इतनी खूबसूरत लग सकती हो? नताशा कपूर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मेरी फिगर का कार्तिक को बताना पड़ेगा। नाच तुम कार्तिक से कुछ नहीं कहो। मॉम लेकिन फुला हुआ पेट लेके मैं कैसे यहाँ वहाँ घूमूंगी? ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना, कितना डाउन मार्केट लगेगा। एक्चुअली यू आर राइट। सी बता दो कार्तिक को, तुम सब बता दो, बट ओनली थिंग इज बेबी ये मत भूलना कि कार्तिक के जरिए जब ये बात राम तक पहुंचेगी तो राम कैसे रिएक्ट करेगा? उसका लव अफेक्शन तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए कह रहे पहले अपनी शादी हो जाने दो, उसके बाद इस प्रेगनेंसी का क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन तब तक तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। गॉट इट? हेलो मैडम। अरे कार्तिक अंदर आओ ना। मैम अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ देर में अकेले नताशा से बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। कैरी ऑन। अरे भाई वो अभी अभी आई है, उसे कम से कम सांस तो ले लेने दो। आज तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आज देखिए वैसे भी जब कोई खुशी की बात होती है तो मेरे पेट में पचती नहीं है। हाँ प्रिया, आज तेरी होने वाली सास ने फोन किया था, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कार्तिक और नताशा के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई है, उन दोनों के बीच पैचअप हो गया है और वो दोनों ना आपस में बड़े कंफर्टेबल हैं, बहुत खुश हैं। उन दोनों की शादी पक्की और साथ ही साथ तुम दोनों की पक्की 100% फिक्स। हाँ। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे पड़ोसी है पीछे, टेल मी ओ जानू अब मैं क्या करूं? जाके डाइनिंग टेबल पे खाना लगाओ। प्रिया आज तेरी माँ ना पागल हो गई है, पागल। देख रही है तू, जब से निहारिका जी का फोन आया है ना इसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे, और वो जो कल सोसाइटी वाले आए थे ना उन सबको फोन लगा चुकी है ये, और उन सबकी फोन पे क्या खबर ली है प्रिया इसने, तुझे क्या बताऊं। चलो फाइनली सब ठीक हो गया, कांग्रेचुलेशन। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, मैं अभी मुंह मीठा कर आती हूँ। हाँ कार्तिक कहाँ है? माँ नट से मिलने गया है। ला 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 जानो हो ना, आज चलता है सब। अच्छा मैं खाती हूँ आज। मेरी जिंदगी में न जाने क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा हैंडल कर लूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि कार्तिक की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए।
सॉरी नताशा। थप्पड़ अंदर चल क्या रहा है? तुम्हें मारने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, तुम्हें भी नहीं। प्यार कैसा है? बातचीत कम होती, मारपीट ज्यादा होती। कहा ना मैंने, तुम्हें मारने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, खुद को भी नहीं। अभी क्या कर रही है? देख अंदर जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है बहुत सीरियस है। अच्छा सुन माँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा इशिका, तू की होल में से दे। नो 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 मम्मा, इशिका देख शर्मा क्या है। क्या हो रहा है? पंडित जी आ गए। पंडित जी चलो। स्वीटी वो कौन सी पिक्चर देख रहे थे उधर? हाँ ये है पंडित। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार बैठो। हाँ तो पंडित जी मुहूर्त कब का निकला है? वो मुहूर्त तो पंडित जी मुहूर्त कल का नहीं निकल सकता, मतलब जितनी जल्दी उतना बेटर ना। मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मुझे लड़के की कुंडली भी तो देखनी होगी, और हाँ राम और प्रिया की कुंडलियाँ भी। पंडित जी देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई मीन कैलेंडर में से कोई भी अच्छी तारीख देख के चिपका दीजिएगा ना। हाँ या फिर ऐसा करेंगे कि जब नट्स और कार्तिक की शादी का मुहूर्त निकलेगा तो उसके आसपास इनकी भी शादी कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जोड़ी दो व्यक्ति चार, मुझे कुंडली और पंचांग दोनों देखनी होगी भाई। कोई पंडित एक विवाह कराने की कितनी दक्षिणा मिलती है तेरे को? कम से कम 11,000। हम तुझे 21,000 दे रहे हैं, शर्त ये है आँख कान और जुबान बंद रखनी। ओए सोच ओए, ओए मुहूर्त एक और पैसे डबल, यानी कि एक पे एक फ्री। हाँ ओए फ्री की उम्र बड़ी लंबी होती है, इससे ज्यादा पाव मत खा, जितना कहा जाए उतना कर, वरना मार्केट में तेरे जैसे पंडितों की कमी नहीं है। एक फोन करूंगा और। नहीं जजमान, मुहूर्त तो मैं ही निकालूंगा। तो निकालो। लेकिन शादी का मुहूर्त वही होगा जो हम चाहते हैं। अरे जजमान आप चिंता न करो, चट मंगनी पट ब्याह। समझ गया। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी ये तो सब आपकी दुआओं की वजह से है। आज इतनी देर तक मैं सोती रही, किसी ने उठाया भी नहीं। अच्छा माँ मैंने स्नैक्स के लिए ऑर्डर कर दिया, बस मेहमानों के आते एक बार फोन करना है, 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे। गुड गुड गुड। क्या करूँ बहुत सारे काम है मेरे को, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बेटा तू इतना जल्दी कैसे उठ गई? जल्दी माँ 8 बज रहे हैं और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं, कम से कम एक आवाज तो दी होती। बेटा ये तो तेरे ही दिन है सपने देखने के। देख तेरी शादी है, अच्छा खाना पीना और अच्छी नींद बहुत जरूरी है तेरे लिए। देख अच्छा खाना
तुझे फ्रेश फीलिंग देगा, है ना? और अच्छी नींद, ये जो तेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं ना, वो नहीं आएंगे उससे। हाँ समझ गई माँ, अब तो मैं उठ गई हूँ, अब जाके सबके लिए कॉफी तो बना सकती हूँ ना। प्रिया तेरी माँ ने रात भर से मुझे सोने नहीं दिया। क्यों? रात भर नींद में जोर जोर से बड़बड़ाती रही है, हॉल बुक करना है, ये पहनना है, फलाने ब्यूटिशियन को बुलाना है, इनको इनवाइट करना है, उनको इनवाइट करना है, यहाँ तक कि उसे इंदौर वाले पंडित जी भी याद थे। अरे पंडित जी को भी फोन करना है, रात को फोन किया था, जरा फोन करके पूछो तो सही पहुँचे कहाँ है। माँ 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 माँ, वो इंदौर वाले पंडित जी को बुलाना जरूरी है क्या? क्यों? माँ वो अपने साथ साथ पूरा का पूरा इंदौर उठा के ले आते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है ना बेटा, अरे पूरे इंदौर को पता चलने दे कि मेरी प्रिया और कार्तिक की बहुत बड़े घराने में शादी हो रही है। मैंने रात को ही फोन किया था, अब तो निकल भी चुके होंगे, और हाँ तेरी नानी ने भी वहां सबको इनविटेशन दे दिया होगा। अब तुझे क्या हुआ बेटा? पापा ये हमारे रिश्तेदार वगैरह ये सब आप तो जानते हैं वो लोग कैसे हैं। आई मीन वो अपने साथ बधाइयाँ कम परेशानियाँ ज़्यादा लेकर आते हैं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो। तू बिल्कुल टेंशन मत कर बेटा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है? कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे कुछ बता तो सही, क्या हुआ है? नीचे माफ धड़ाधड़ फोन पर लगी हुई है, दुनिया भर के रिश्तेदारों को इनवाइट कर रही है, क्या जरूरत है? तू एक बार मेरे लिए माँ से बात कर, उनको समझा कि इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है। जरूरत है रा, यार तू कमाल की बातें कर रहा है, लोगों के घरों में एक शादी होती है तो पिछली 5 पुश्तों को बुला लेते हैं, फिर इस घर में तो 2-2 शादियां हो रही है ना, समझा कर इन बातों को। ये न्यूयॉर्क से प्रीमियम इंटरनेशनल वालों ने तो नहीं यार, राम आजकल वैसे ही इतना परेशान है, मैं उसके सामने इस नई जॉब की बात भी कैसे कर सकता हूँ? नहीं अभी नहीं। हाँ दादा मैम, तू ये सब बातें छोड़ और ये जो हो रहा है होने दे, ये सब माँ पे छोड़ दे यार। एक मिनट यार छोड़। हाँ एक मिनट, ये क्या है, कौन फोन कर रहा है बार बार, और तू क्यों काट रहा है, तेरा कोई चक्कर चल रहा है क्या? नेहा के रहते मैं चक्कर चलाऊंगा, अरे वो खा जाएगी मुझे कच्चा और डकार तक नहीं लेगी। तू सही बोल रहा है, लेकिन सुन सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, सच बोल। हाँ यार सब ठीक है, लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? अब तू हंसना मत, पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों में मुझे कभी कभी ऐसा लगा है कि तेरे अंदर कुछ है जो शायद तू मुझे नहीं बता रहा है, या शायद पता नहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं अभी साफ साफ पूछ रहा हूँ, कुछ है क्या ऐसा? नहीं यार, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये शादी का भूत है ना तेरे सर पर चढ़ गया। अबे कभी हो सकता है कि मेरे साथ कुछ और मैं तुझे ना बताऊं? अभी हमें देर हो रही, प्रिया के घर जाना है डेट फिक्स करने, चल जल्दी आ। लग्न में बृहस्पति, चौथे मंगल शुक्र, चंद्रमा नौवे घर में राहु केतु की महादशा, और ये चौथे स्थान पे राहु शनि वक्री, ये मंगल, मंगल के हिसाब से मंगली कुंडली, आश्विन मास गुरु के षष्ठी तक शुक्र दक्षिणगामी, अगर इसमें नाड़ी दोष नहीं लगता है तो फिर ठीक है, ये हो सकता है विवाह। आने वाले 6 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त निकालना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमें तो 6 दिनों में 6 मुहूर्त दिखाई दे रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी आप, मुझे तो आपकी विद्वता और इस ज्ञान पर शंका होने लगी है। यही बात हम कहें तो? तई हिम्मत मत करना, आपको पता होना चाहिए कि मैं इंदौर के राजघराने का कुल पुरोहित हूँ। क्यों छिपरा जी? अरे जानता हूँ पंडित जी, हमारे भी घर के काशी विश्वनाथ मंदिर में पंडित पूजा पाठ करवाते हैं, हमारा भी कुल वहाँ पे पूजा पाठ का ही काम करता है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। ये कतई ही नहीं होगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा छिपरा जी, ये सरासर अन्याय है। कुंडलियां कुछ और कह रही हैं, पंचांग कुछ और कह रहा है, आप कुछ और, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा।
देखिए पंडित जी, आप अपनी मर्यादा लांग रहे हैं। आप सीमा में रह करके ही तारीख तय करें तो बेहतर होगा। आप भी अपने शब्दों को विराम दीजिए। एक मिनट, मैं एक सजेशन दूं। आज से 4 दिन बाद फ्राइडे दोपहर में मेरी कोई भी मीटिंग नहीं है, शादी तब कर लेते। अरे राम, तू इन सब चीजों में क्यों पड़ रहा है यार? तू तू जाने प्रिया का कमरा देख। प्रिया इसको लेके जाओ, कमरा दिखाओ। मेरे को प्रिया का कमरा क्यों देखना है? मैं अपना सामान वहां थोड़ी शिफ्ट करने वाला हूँ। जानता हूँ राम, लेकिन देखना, अगर तू प्रिया का कमरा देखेगा, तुझे दिखेगा कि वो चीजें कैसे रखती है, कैसे संभालती है। एक आदमी का कमरा उसको समझने में बहुत मदद करता है यार। कोई जरूरत नहीं, जितना मैं प्रिया को समझना चाहता था मैं समझ चुका हूँ, तो प्लीज रहने दे। मिस्टर राम, विक्रम ने जो कहा वो सही कहा। प्रिया बेटा, मिस्टर राम को अपना कमरा दिखा दो। आप देखिए ना, वैसे तो कमरा बड़ा मैसी है, पर अपने लोगों से क्या फॉर्मेलिटी। चल ना। राम, अरे जाकर देख तो सही उसके कमरे में है क्या। ये तो देख ले कि शादी के बाद तेरे कमरे में क्या क्या सामान आने वाला है। देख, नेहा शादी के बाद आई थी ना, अपना पिलो तक साथ लेकर आई थी। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे बिना सो सकती हूँ, इस पिलो के बिना नहीं। सोच ले बेटा, तेरे कमरे का क्या हाल होने वाला है। जा, जाके देख। चल। चले। तू चलना साथ में। अरे मैं क्या करूंगा आके? अभी तू चुपचाप जा रहा है या मैं प्रिया को तेरे सीक्रेट्स बताऊं? चल। आइए। I'm sorry, वो आयशा ना, वो सुबह से सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे इसलिए। प्रिया, तुम्हें नहीं लगता कि कमरे के हिसाब से सामान कुछ ज्यादा ही है? हाँ, तो आपको प्रॉब्लम है कोई? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम है? वैसे तुम ये सब कुछ अपने साथ लाने वाली? नहीं 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 नहीं, सारा सामान क्यों लेकर आऊंगी? सारा सामान नहीं, वो तो मैं बस थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें लेकर आऊंगी, सारा नहीं। वो थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें कौन कौन सी हैं? वो ये ड्रेसिंग टेबल और वो स्टडी टेबल, चेयर्स, नहीं दो चेयर्स की क्या जरूरत है, दोनों में से एक चेयर लेके आओ। और आइनिंग बोर्ड है बंसी काका के, ठीक है तो फिर उसे लाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। और हाँ, अलमारी की भी जरूरत नहीं है, अलमारी तो आप मुझे अपनी दे ही देंगे, देंगे ना? तो बस ठीक है, फिर तो ये थोड़ी सी बुक्स हैं और हाँ ये प्लांट। प्लांट लाने की क्या जरूरत है? मतलब मेरे घर में एक बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट। हाँ, होगा आपके घर में बहुत बड़ा गार्डन। मुझे ये प्लांट चाहिए। आई मीन रोज सुबह उठकर सनराइज के साथ साथ मुझे इस प्लांट को देखने की आदत है मिस्टर कपूर, इसके बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है।
तो इसे तो मैं लेकर आऊंगी। प्रिया मुझे प्लांट से एलर्जी है। तो क्या हुआ, आप तो वैसे ही इतनी सारी टैबलेट्स खाते हैं, इस एलर्जी के लिए एक टैबलेट और खा लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस, मुझे वाकई प्लांट से मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर आऊंगी तो अपने कुछ चीजें तो लेकर आऊंगी ना मिस्टर कपूर। हाँ, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। नहीं मतलब मैंने भी सोचा है इस सब के बारे में, इनफैक्ट मेरे कबर्ड में मैंने छोटी सी जगह बनाई है तुम्हारे लिए, एक दो साल के लिए तुम उसमें मैनेज कर लो, फिर तुम्हारे लिए अलग से कबर्ड भी बनवाने का सोचा है मैंने। लेकिन तुम इतना सब कुछ और प्लांट, इतना सब कुछ क्या है मिस्टर कपूर, लेकिन आपका घर तो इतना बड़ा है, मेरी थोड़ी सी चीजें वहां पे एडजस्ट नहीं हो सकती क्या। घर बड़ा है लेकिन कमरा तो कमरा है, ये सारी चीजें फिर एक कमरे में नहीं अलग अलग कमरों में एडजस्ट होनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, I'm fine. दो कमरों में ही सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी आपको, I mean, एक कमरे से दूसरे कमरे तक बार बार कपड़ों के लिए जाना आपके लिए। एक मिनट, मेरे कपड़े दूसरे कमरे में क्यों होंगे, मेरा कमरा है वो। एग्जैक्टली, आपका कमरा है वो, तभी तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। उतनी ही तकलीफ मुझे भी होगी मिस्टर कपूर जब मैं ये कमरा छोड़ूंगी तो। जिस कमरे में आप खड़े हैं ना मिस्टर कपूर, उस कमरे में मैंने अपनी जिंदगी के बहुत साल बिताए, या कहूं कि शेयर किए हैं अपनी छोटी बहन और भाई के साथ। अपना पहला सपना, पहली खुशी, पहला गम, सब कुछ मैंने इसी कमरे के साथ बांटा है। इस कमरे के हर एक चीज के साथ मेरी कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। मेरे लिए भी आसान नहीं है सब कुछ छोड़कर एकदम से आपके घर आ जाना, लेकिन मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि मैं हर एक चीज को अपने साथ नहीं ला सकती। मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं आग बंद करके ऐसे किसी चीज पे हाथ नहीं रख सकती कि हाँ ये वाली चीज मैं लेके जाऊंगी, इस चीज पे उंगली नहीं आई तो नहीं लेके आती। आई कांट डू दैट, इट्स नॉट इजी फॉर मी ऑल्सो, बट आई एम ट्राइंग। कमरा शेयर करने में आपको तकलीफ है और यहाँ हम जिंदगी शेयर करने की बात कर रहे हैं। I'm sorry. बाथरूम नहीं, बाथरूम नहीं देखना है मुझे। विक्रम शायद पंडित जी, देखिए शादी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए बस। क्यों शिप्रा जी? हाँ जी, हमारा भी यही मानना है, लेकिन हमारे जो पंडित जी है ना, उनके शब्द ही अंतिम शब्द हम मानते हैं। सुना सुना आप लोगों ने? आप कहना छोड़िए, सुनना शुरू कीजिए, फायदे में रहोगे। डिसाइड हुआ? नहीं यार, तेरी तरह ना तेरी शादी की तारीख डिसाइड करने में भी डिले हो रहा है, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं लोग। पंडित जी, एक मुहूर्त डिसाइड करने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? इनकी निकाली हुई तारीख हमें पसंद नहीं है। आप दोनों जरा अपनी अपनी तारीख मुझे दिखाइए। ये ली। इनी मिनी मैनी मो ने 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 थैंक यू। 9th अगस्त फुल एंड फाइनल, शादी की तारीख पक्की। ओके। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.